हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग वीडियो किस तरह से बने हैं उसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है। उस एप्लीकेशन का नाम है VN एप्लीकेशन। चलिए फ्रेंड्स, VN एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल ऑन कीजिए। और उसके बाद इधर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक करके उसके बाद इधर फोटो पर क्लिक करके यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट करके लीजिए। उसके बाद इधर नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद इधर क्लिक करके यहाँ से एक सॉन्ग सेलेक्ट करके लीजिए। आपको जिस सॉन्ग पे बनाने का है उस सॉन्ग को सेलेक्ट करके लीजिए। मैं फिलहाल यहाँ से एक सॉन्ग सेलेक्ट करके ले रहा हूँ। उसके बाद इधर क्लिक करके इधर टिक कीजिए। उसके बाद इस इमेज को इस तरह खींच के कुछ इस तरह बड़ा करके लेने का है। अपना सॉन्ग किधर तक है उधर तक अपने को खींच के लेने का है। उसके बाद इस ब्लैक बैकग्राउंड को डिलीट करके लीजिए। उसके बाद इधर फिल्टर में जाके एक बार वीडियो प्ले करके देखिए। इधर तक है। उसके बाद इधर खींच क्लिक कीजिए। इधर सामने आके यहाँ से फिल्टर में जाके यहाँ से आप एक कौन सा भी फिल्टर लगा सकते हो। मैं फिलहाल इस वाले फिल्टर को लगा के ले रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो वीडियो प्ले करके सकते हो। इधर तक है अपना फिल्टर। उसके बाद इधर क्लिक कीजिए, फिर से यहाँ केची पे क्लिक कीजिए और फिर से यहाँ फिल्टर में जाके वही वाला फिल्टर लगाना आप पहले जो फिल्टर लगाया है। उसके बाद फिर से क्लिक कीजिए। उसके बाद वीडियो प्ले करके देखिए। उसके बाद इस वाले इमेज में आके या फिल्टर में जाके यहाँ से आप कौन सा भी फिल्टर लगा सकते हो अपनी इमेज को। मैं फिलहाल ये इमेज फिल्टर लगा रहा हूँ। उसके बाद इधर टिक कीजिए और यहाँ इफेक्ट में आके यहाँ से आप बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप कौन सा भी लगा सकते हैं। मैं फिलहाल इस वाले इफेक्ट लगा रहा हूँ, इस लेयर को कुछ इस तरह से बड़ा करके लेने का। उसके बाद टिक करके लीजिए। उसके बाद इधर पर क्लिक करके आपसे आप जिस साइज में बनाना चाहते हो उस साइज में बना सकते हो। मैं फिलहाल इस साइज में बना रहा हूँ। उसके बाद इधर ऊपर क्लिक करके अपनी वीडियो शो हो जाएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए। और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो किस तरह से लगी।